आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने मैचेस में बॉट लॉबी कैसे ला सकते हो, क्योंकि एक रैंक होने के बाद आप लोग को उसमें बहुत ही ज्यादा हार्ड लॉबी आने लग जाती है एंड जो आपका ग्रैंड मास्टर जाने का सपना रहता है वो वहीं पे टूट जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करते रहना एंड अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो बॉट लॉबी लाने के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है अपनी टाइमिंग पे, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे खेलोगे जिस टाइम पे हर कोई बंदा खेलता है तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना कि आपके इसमें बॉट लॉबी आ जाए। तो आपको उन टाइम पे खेलना है जिस टाइम पे बंदे बहुत ही कम एक्टिव रहते हैं गेम में, जैसा कि आप लोग रात 12 बजे से सुबह के 9 बजे तक खेल सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको रात भर जा के गेम ही खेलते रहना है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पापा की चप्पल आपके सीधे गाल पे लगने वाली है। सो आप लोग एक टाइम डिसाइड कर सकते हो सुबह का या फिर रात का, तो आप लोग 9 बजे तक सुबह भी गेम खेल सकते हो क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही कम बंदे एक्टिव रहते हैं। अगर आप लोग इन टाइम पे गेम नहीं खेल सकते ना तो आने वाली जो 3 ट्रिक्स है वो आप भी लोगों के लिए होने वाली है। सो सेकंड चीज की अपन बात कर लेते हैं कि आप लोग सोलो मैचेस खेलते हैं या फिर डुओ मैचेस खेलते हैं या फिर स्क्वाड मैचेस खेलते हो, तो आप लोगों को कभी भी क्या करना है, आपको अपने प्लेयर्स के हिसाब से अपने मैचेस को प्ले करना है। अगर आपके प्लेयर डायमंड 4 वाले प्लेयर्स रहते हैं ना तो उनके साथ तो कभी भी नहीं खेलना है, भले आप हीरोइक वाले बंदे के साथ खेलो मगर डायमंड 4 वालों के साथ कभी खेलना ही मत, क्योंकि ना आपने कभी भी गौर किया होगा जब भी आप लोगों की डायमंड 4 रैंक रहती है एंड आपको बहुत कम स्कोर लगता है हीरोइक जाने के लिए, तब बहुत ही ज्यादा हार्ड लॉबी आती है आपके गेम में। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हीरोइक के जिसके 2 या फिर 3 स्टार रहते हैं ना, अगर आप उन लोगों के साथ खेलते हो तो आपको हर मैचेस में बॉट लॉबी देखने के लिए मिलने वाली है। सो थर्ड वाली ट्रिक अपनी ये है कि आपको कौन से एस्टिमेट्स पे गेम प्ले करना है। तो सबसे पहले मैं तो आपको एस्टिमेट्स का यूज बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको एस्टिमेट्स का यूज नहीं पता रहेगा तो यह वीडियो आपके क्या काम की होने वाली है। सो अगर आपके सोलो स्टार्ट करते समय 9 का एस्टिमेट आता है तो आप लोग वहाँ पे समझ जाना कि आपके रैंक में आपके गेम में आपके रैंक के 9 प्लेयर्स आने वाले, मतलब जो आपकी रैंक होती है ना उसके आपके 9 प्लेयर्स आने वाले हैं। एंड अगर आप स्क्वाड में मैच को स्टार्ट करते हो तो जिस भी प्लेयर्स के साथ आप प्ले कर रहे हो एंड उसमें सबसे ज़्यादा जिसके भी रैंक है उस रैंक के आपके इसमें उतने बंदे आने वाले हैं जितने भी आपके एस्टिमेट्स आते हैं। एंड ये डुओ का भी ऐसा ही है। एंड मैं आपको सबसे एक मेन बात बता दूँ, ये सारे सीजन्स के अलग अलग एस्टिमेट्स होते हैं, मतलब क्लैश स्क्वाड के अलग होते हैं, लोन वुल्फ के अलग होते हैं एंड वीआर रैंक के अलग एस्टिमेट्स होते हैं। सो जो फोर्थ नंबर की ट्रिक है ना, ये ट्रिक नहीं है, जादू टोना है। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार 3 क्लासिक मैच को स्टार्ट करना है एंड आपको तीनों गेम्स में एलिमिनेट हो जाना है। एंड आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको फोर्ड कैरेक्टर एक्यूब करके ही रखना है। एंड 4 कैरेक्टर एक्यूब करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 3 मैचेस को एलिमिनेट हो जाना है एंड उसके बाद आप लोगों को गेम रीस्टार्ट करना है एंड उसके बाद आपको बीआर रैंक का एक मैचेस लगा लेना है। आप इतना करने के बाद आप लोग वहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके इसमें बॉट लॉबी तो नहीं बट बहुत ही ईजी लॉबी फेस करने के लिए मिलेंगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है बट ऐसा ही होता है। सो आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। तो फिर किस वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए लव यू गाइस, पीस आउट।